अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानों तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ हमेशा की तरह बनने वाली हैं। नरगिसी कोफ्ते, नरगिसी कोफ्ते जो हैं ये बड़ी रिवायती हमारे जो है ना खानों में से एक खाना है। असल में इसको नरगिसी कोफ्ते कहा क्यों जाता है, ठीक है, आपने शायद सुना हो नरगिसी आँखें, ठीक है। नरगिसी आँखें जो होती हैं उसको शायरी में भी इस्तेमाल किया जाता है, और ख़ूबसूरत जब बादशाह हुआ करते थे तो उनको ना कोई ऐसी डिश का नाम चाहिए होता था जो बहुत ही अच्छा नाम हो। तो ये नरगिसी कोफ्ते जब हम बनाकर इसको काटते हैं तो ये बिल्कुल नरगिसी आँखों की तरह होते हैं, इसलिए इसका नाम जो है ना नरगिसी कोफ्ते रखा गया। और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होती है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं, जल्दी करते हैं टाइम, इसलिए कि थोड़ा सा टाइम इसमें लगने वाला है। कुछ काम हमने पहले से करके रखे हुए हैं जो आपके सामने आपको शेयर करेंगे, और उसके साथ आज स्टफ़ बन बहुत ही मज़ेदार बच्चों के लिए, ख़ास तौर पर बड़ों के लिए। लंच बॉक्स के अंदर अनहाइजेनिक बेकार के खाने, बाहर के खाने से और अपनी तबीयत ख़राब करने से बेहतर है कि घर का बना हुआ जो है ना लंच अपने लंच बॉक्स में लेकर जाएं, और साथ में बड़े भी बच्चे भी सब के लिए। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आड़ू के बारे में। आड़ू जापनीज़ कहते हैं कि ये बहुत पुराना फल है दुनिया का, और ये यानी कि अगर आप पुराने रहना चाहते हैं यानी कि आप अपनी उम्र को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आड़ू का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। और इसके और क्या फ़ायदे हैं, बहुत बड़े बड़े फ़ायदे हैं, तो इंशाल्लाह ये आड़ू के बारे में आपके साथ शेयर करेंगे। अभी मौसम है, मार्केट में मौजूद है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं नरगिसी कोफ्ते। नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए हमारे पास एक पेस्ट हमने बना कर रखा हुआ है, और ताकि ये टाइम हमारा ज़ाया ना हो, क्योंकि ये मेरे पास है 1 किलो बीफ, और इसके अंदर हमने जो है ना इसको हमने चॉपर जो होता है उसके अंदर पेस्ट बनाया बहुत अच्छी तरह से। पेस्ट बनाते वक्त हमने इसमें जो है ना क्या क्या चीज़ें डाली, हमने इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें डाली हैं, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच डाला है, तलहार मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच डाला है, हल्दी 1/2 चाय का चम्मच डाला है, गर्म मसाला 1 चाय का चम्मच डाला है इसके अंदर, और खशखाश का पेस्ट जो है वो 1 चाय का चम्मच डाला है, नमक 1 चाय का चम्मच डाला है, और इसके साथ जो है हमने इसमें ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच डाला है, ठीक है। और इसको हमने अच्छी तरह से जो है ना पेस्ट बना दिया, ठीक है। और बाइंडिंग के लिए, इसलिए कि ये मसाले हो गए, अब बाइंडिंग करने के लिए ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ चाहिए होता, वरना ये अंडों पे चिपकेगा नहीं, तो उसके लिए हमने इसमें 2 अंडे और इसके साथ तकरीबन 6 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर या मकई का आटा, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप डाल लें और ये तैयार हो जाएगा। इसके साथ हमने अंडे सख्त जो बॉयल्ड होते हैं अंडे हमने ले लिए, और इसके साथ इसकी जो ग्रेवी बनाने के, दोनों काम साथ साथ चलेंगे, ठीक है। ग्रेवी बनाने के लिए हमारे पास है प्याज का पेस्ट, खशखाश का पेस्ट, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें, हरा धनिया, हरी मिर्चें और हरा धनिया 10 से 15 हरी मिर्चें, आधी गड्डी हरा धनिया का पेस्ट, इसके साथ लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, तलहार मिर्च पाउडर, और इसके साथ नमक, दही जो है वो तकरीबन 300 ग्राम दही है, ठीक है। और ये सारी इसका ग्रेवी, सारी चीज़ें स्मूथ होनी चाहिए, यानी कि इसमें कोई साबुत गर्म मसाले नहीं जाते हैं, ठीक है। और एक तरफ हम चढ़ा देते हैं अपना मसाला जो हमने तैयार करना है, ताकि दोनों काम हमारे साथ साथ होते रहें, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ले लिया 5 से 6 खाने के चम्मच ऑयल, और प्याज का पेस्ट, 1 बड़ी प्याज हमने ले ली है, उसका पेस्ट बना लिया और वो हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। और इसके साथ मैं डाल दूँगा खशखाश का पेस्ट 1 खाने का चम्मच भर के, ठीक है। और ये हरी मिर्चें 10 से 15 हरी मिर्चें, और हरा धनिया इसका पेस्ट 1/2 गड्ढी हरा धनिया इसका पेस्ट हमने डाल दिया, और ये है मेरे पास अदरक और लहसुन इसका 1 खाने का चम्मच, ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। चलिए जी, ये सारी चीज़ें चली गई और ये साथ साथ पकता रहेगा, और इसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूँगा, उसको भूनेंगे, उसके बाद फिर हमने दही डालकर
इसकी ग्रेवी तैयार करनी है जो नरगिसी कोफ्तों के लिए तैयार होगी। ठीक है, तो चलते हैं। और नरगिसी कोफ्ते जो है मैंने बताया चॉपर में पेस्ट बहुत अच्छी तरह बनाना, ठीक है, ताकि इसकी बाइंडिंग में आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर हमारे पास दूसरा चूल्हा भी ऑन कर देते हैं, लेकिन आज मैं इसमें भी ऑयल ऐड कर देते हैं ताकि नरगिसी कोफ्ते फ्राई भी होते जाएँ साथ साथ। ठीक है, इसमें हमने फ्राई के लिए ऑयल ऐड कर दिया। हाथ में लगा लें ऑयल, ठीक है। और अच्छा, इसमें जो गोश्त है ना वो बिल्कुल रूखा गोश्त होना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई रेशा नहीं होना चाहिए। रूखा गोश्त की छोटी छोटी बूटियाँ बनाकर और उसके बाद आपने इसका जो है ना ये इस तरह से आपने अंडा इसके बीच में रखा और हाथ में ऑयल लगा होगा तो ये इस तरह स्लिप करता जाएगा। आगे से ऐसे ऐसे करते जाना है और इसको राउंड करते जाना है तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये हो गया आपका फाइनली डन। चिचड़े अगर हुए तो ये खिंचेगा और ये फट जाएगा, ठीक है, तो चिचड़े नहीं होने चाहिए, बिल्कुल रूखा गोश्त होना चाहिए। और छोटी छोटी बूटियाँ बनाकर इसको आपने चॉपर में डालकर मसालों के साथ अच्छी तरह से पीस लेना, ठीक है जी। और ये हम डालते, अच्छा एक ही साइज़ आप बना लें, ठीक है, उसके हिसाब से इसे आपने रखा। उसी तरह से मैंने आपको बोला है ये वाला हाथ ऐसे सीधा होगा, ये हाथ ऐसे होगा, ठीक है, इस तरह से कवर करते जाएं। खुद ब खुद ये अंडा नज़र आ रहा है ना, अभी आपके थोड़ी देर बाद आपको नज़र आना बंद हो जाएगा। ये देखिए, ये तीसरी टर्न के अंदर ये गायब हो जाएगा। ऊपर से दबाते जाएं और नीचे से इसको बंद करते जाएं, ठीक है। ये देखें, ये पूरा गोला बन गया। अक्सर लोग इसको बनाते हुए बहुत ज़्यादा डर खौफ जो है ना वही आपको मुश्किल में डाल देता है, तो डर खौफ से नहीं बनाना आपने, ठीक है, आराम से तैयार करना है। ऐसे ऊपर से ऐसे पुश करेंगे और नीचे से ऐसे टर्न करते जाएंगे। हमारे पास कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ। थैंक यू। मुझे एक सवाल पूछना था कि कोफ्ते टूट जाते हैं, टूट जाते हैं हम जो बनाते हैं अभी, तो मैं इत्तफाक की बात है, मैं कोफ्ते ही बना रहा हूँ। और सबसे पहली बात है कि गोश्त जब आप सेलेक्ट करें तो चिचड़े नहीं होने चाहिए उसके अंदर, ठीक है। हाँ, दूसरा के गोश्त जो है वो इसका जो आप पेस्ट बनाएं और उसके अंदर जो बाइंडिंग की चीज़ें हैं वो आपने ज़रा ध्यान से डालनी है, ठीक है। यानी कि आपने इसके अंदर तकरीबन 1 किलो में 2 अंडे और 6 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर या मकई का आटा, ये आपने अगर डाला और इसको पेस्ट बहुत अच्छी तरह से बनाना है, ठीक है। ये देखें, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना हुआ है। अगर ये आपने किया तो बहुत अच्छे आपके कोफ्ते तैयार होंगे, ठीक है, वो नरगिसी हो या नॉर्मल कोफ्ते हो, दोनों, ठीक है। सही सही। और एक फरमाइश भी थी कि जी, हैदराबादी बिरयानी बनाना सिखा दे। हैदराबादी बिरयानी, अच्छा, कल हमारे पास जो है ना आजकल एक ये जो हमारा हैदराबाद है, कराची के करीब वाला हैदराबाद, वहाँ की एक आजकल बड़ी मशहूर हो रही है बिरयानी, चने की बिरयानी, ठीक है, काबली चने होते हैं ना उसकी बिरयानी, तो कल तो वो बन रही है। लेकिन जो हैदराबाद दक्कन वाली बिरयानी है, कच्चे गोश्त की बिरयानी की बात कर रही हैं आप? जी जी, इंशाल्लाह वो भी हम कोशिश करेंगे कि वो भी तैयार करें आपके लिए, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू जी। नाजरीन, तो अभी इन्होंने सवाल भी पूछा और आपको मैं यही बात बता रहा था कि गोश्त में अगर चिचड़े हुए तो ये क्या होगा कि खिंच जाएगा गोश्त, ठीक है, खिंचेगा तो फिर ये कवर में से उतर जाएगा, ठीक है। तो इसको सही रखने के लिए आपने इसमें जो है ना कोशिश करनी है कि गोश्त आपका बिल्कुल रूखा गोश्त हो और उसकी बूटियां बनाने के बाद आप जो है इसे तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके कोफ्ते नॉर्मल वाले कोफ्ते हों या नरगिसी कोफ्ते हों, दोनों अच्छे बनेंगे, ठीक है। चलिए जी, ये हमने ये आपके सामने ही बना रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। बाइंडिंग की बस चीज़ें जो हैं, अंडा मैंने जैसे बताया 2 अंडे डाल दिए आपने इसमें और इसके साथ
मकई का आटा या कॉर्नफ्लावर, एक किलो में 6 खाने के चम्मच। दोनों तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, यानी कि इसे एक तो गोश्त की सिलेक्शन आपकी सही है, दूसरा इसको चॉप बहुत अच्छी तरह से आपने करना है, ठीक है, और उसके बाद इसे आपने फ्राई जो है ना वो करते वक्त भी ख्याल रखना है कि आँच आपकी तेज़ ना हो, ठीक है। ये देखें, आँच बिल्कुल धीमी आँच के अंदर फ्राई करना है ताकि ये पक जाए, और आधा कच्चा पक्का रहना चाहिए। ये नहीं हो कि आप इसको आप बना रहे हैं तो फुल आप डन कर दें, ठीक है, उससे ये ग्रेवी जाने का जो सिलसिला है वो नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मसाला हमारा थोड़ा सा पकने लगा है, तो अब मैं इसमें डाल रहा हूँ तलहार मिर्च 1 चाय का चम्मच, ठीक है जी, और लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, या 1.5 भी आप डाल सकते हैं, ठीक है, अपने मर्जी से जो मसाले कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, ठीक है, और धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, और इसके साथ हल्दी पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, और नमक जो है ये हमने 1 चाय का चम्मच या 1.5 डाल दें इसमें, ठीक है, और इसको आपने भून लेना, ठीक है, और उसके बाद फिर हमने इसमें दही शामिल करके फिर भूनना है, फिर जाकर इसमें पानी ऐड करना है, ठीक है। ये देख लो, मसाला डाल दिया, और ये कोई इसकी ग्रेवी लाल रंग की नहीं होगी, ठीक है, हल्की सी ग्रीन कलर का ये मसाला बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको पकाया, पकाने के बाद 300 ग्राम हमने इसमें डाल दिया दही, स्मूथ पिसा हुआ और ताज़ा दही, ठीक है, खट्टा नहीं होना चाहिए, वो जो हम कड़ी में डालते हैं ना वो वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये हमने डाल दिया इसमें, ठीक है। इसको थोड़ा सा भूनने देंगे ताकि दही का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए, उसके बाद जब ये भून जाए, यकजा हो जाए सारा मसाला, अच्छा सा कलर आ जाए, उसके बाद फिर हमने पानी ऐड करना है और ये नरगिसी कोफ्ते उसमें ऐड करके पकने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा, उसके बाद फिर हमने इसे डिश आउट कर लेना है, ठीक है। अब ये साइडों पर हल्का हल्का सा, ठीक है, ये कलर आ रहा है, ठीक है, इसको आपने थोड़ा सा टर्न कर लिया, ठीक है, दोनों तरफ से पका लिया, फिर इसमें जो है हमने दोबारा से दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए, ठीक है, 2 पीस और रह गए, अच्छी तरह से लॉक किया आपने, ठीक है जी, और ये हो गया तैयार। अच्छा, बाज़ औक़ात जो नरगिसी कोफ्ते होते हैं बग़ैर ग्रेवी के भी सर्व किए जाते हैं, ठीक है जी, वो भी आप तैयार कर सकते हैं अपने घर पर बग़ैर ग्रेवी वाले, सिर्फ सादे नरगिसी कोफ्ते बनाकर और किसी भी सॉस वगैरह के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से एक साइज बना लें, ठीक है, और इसको बड़े बड़े चमचों से नहीं मारना वरना ये फट जाएगा, ठीक है। हमारे पास टाइम हो गया ब्रेक का, नरगिसी कोफ्ते हो रहे हैं तैयार, ग्रेवी हो गई है तकरीबन, इसको भून लूँगा मैं, भुनने के बाद इसमें पानी ऐड करूँगा और इसके अंदर ये नरगिसी कोफ्ते हम डाल देंगे और इसके बाद इसको बीच में से काट के सर्व करेंगे, बहुत ही मज़ेदार, ठीक है। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार नरगिसी कोफ्ते जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि नरगिसी आँखें होती है, जिसकी मुनासिबत से हमारे जो पुराने ज़माने के बादशाहों के जो शेफ़ हुआ करते थे, उन्होंने जो है ये नरगिसी कोफ्ते क्रिएट किए, और ये नरगिसी कोफ्ते आज हम अपने शो में बना रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आ रहे होंगे। बहुत आसान तरीका बता दिया है मैंने, और अभी ये मसाले को भून लिया, नरगिसी कोफ्ते इसमें डाल दिए हैं। नरगिसी कोफ्ते पूरे नहीं पके हुए होने चाहिए,
ताकि ग्रेवी इसके अंदर चली जाए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस वक्त ये पक रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसके बाद मैंने उसको पकने के लिए छोड़ दिया, ताकि जो कच्चापन है थोड़ा सा नरगिस कोफ्ते का वो इससे पक कर और ये फाइनली डन हो जाए। ठीक है, जब तक ये बन रहा है हम चल रहे हैं स्टफ़ बन बनाने के लिए। स्टफ़ बन के लिए हमारे पास बहुत सिंपल बन है, और ये जो लंबे वाले बन होते हैं ये मैंने लिए और इसको मैंने बीच में से होलो कर दिया। ठीक है, यानी कि इसके अंदर से हमने थोड़ा सा इसका ऊपर का वो निकाल दिया। ठीक है, बाकी इसके अंदर लगा दिया बटर। बटर जो है ना वो सिर्फ बटर ऐसे नहीं लगाया, बटर का मकसद होता है हर चीज़ का कोई ना। जैसे मैंने नरगिसी कोफ्ते के बारे में आपको डिटेल बताई है, बेसिकली ये शो जो है ये कुकिंग शो नहीं है बल्कि ये टीचिंग शो होता है। कुकिंग शो का कोई मकसद नहीं होता, टीचिंग शो का मकसद होता है ताकि आप लोगों को सिखा जा सके, ताकि आप अपने घर पर हेल्दी खाना बनाएँ और अपने बच्चे और बड़ों सबको जो है इसको खिला सकें। तो बटर लगाने का मकसद ये है कि इसको हम कहते हैं सील कर देना। अब जो ग्रेवी हम इसमें डालेंगे वो इसके अंदर नहीं जाएगी, ठीक है, सील हो जाएगा और ये ऊपर ही रहेगी ग्रेवी, और जो बर्गर है उसको सॉगी नहीं करेगा ये। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको होलो करने के बाद इसमें बटर लगा लेना। अब हम एक आमेजा तैयार कर रहे हैं चिकन का। ठीक है, और बहुत सिंपल, कोई मुश्किल चीज़ नहीं, हर चीज़ मिक्स कर देंगे ताकि इसमें ऐड करने में आसानी हो। ठीक है, हमारे पास कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। सर मैं बहुत देर से आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, बहुत अरसे से जी। लेकिन आपका जब प्रोग्राम खत्म करते हैं तो आप एक नुस्खा बताते हैं, लेकिन वो टीवी वाले देखने नहीं देते, सुनने नहीं देते, एकदम इश्तहार चला देते हैं। आपने बताया था मसूर की दाल पिछले दिन और कहीं उबाल के रखी थी आपने एक चम्मच, उसके बाद साबुदाना बताना था, उसके बाद कावा बताना था, लेकिन तीनों चीजें नहीं आप सुन सके, इन्होंने इश्तहार चला दिए। मेहरबानी करके बताएं उनका। ठीक है, मैं इंशाल्लाह अपने जो हमारी टीम है ना उसको डांट दूंगा कि भाई आइंदा जो है ना वो चीज़ें जो है ना आप लोगों के लिए दिखा दिया करें। ठीक है, लेकिन कभी कभार हमारा चैनल न्यूज़ चैनल है ना, बेसिकली ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह कभी कभार आ जाती है, वरना तो हमारी टीम की पूरी कोशिश होती है कि शो आपको पूरा पूरा दिखाया जा सके। और मुझे बिल्कुल यकीन है कि आप लोग एंड वाला जो पार्ट होता है जिसमें टोटके बताए जाते हैं उसको देख रहे होते हैं, तो हम कोशिश करेंगे या तो सेंटर में, बीच में, या एंड में इसको, या शुरू में कुछ ना कुछ इसका नया वो बनाते हैं। ठीक है ना, ताकि आसानी हो सके। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। यहाँ पर लिया है हमने 2 टेबलस्पून ऑयल और इसके साथ फ्रेश फ्रेश ताज़ा ताज़ा गार्लिक, ठीक है, 1 खाने का चम्मच। ठीक है, और उसके बाद ये मैं आपके सामने ही बना रहा हूँ, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके सामने नहीं बन रही हो। ठीक है, चिकन ले लिया 1/2 किलो हमने छोटी बोटियों में। ठीक है, ये हमने इसमें डाल दिया और इसमें हमने शामिल करना है बाकी मसाले, लेकिन पहले हमने सिर्फ गार्लिक के साथ चिकन को बनाना है। गार्लिक आ गया, फ्रेश गार्लिक, ताज़ा गार्लिक चॉप हुआ हुआ, और चिकन। ठीक है, ये दो चीज़ें। ठीक है, और इसके साथ जो मसाले जाएंगे बहुत सिंपल मसाले हैं। ठीक है, पहले थोड़ा सा आधा कच्चा पक्का इसका कलर हो जाए। ठीक है, और बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, याद रखिएगा चिकन को हम अक्सर घंटों घंटों पका रहे होते हैं तो फिर फ़ायदा नहीं है, इसमें रबड़ जैसी चिकन हो जाती है, सख्त बिल्कुल। और रेस्टोरेंट में खा रहे होते हैं तो वो जूसी होती है, घर पे खा रहे होते हैं तो उसका बेचारे का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ उसी वक्त होती है जब उसको आप ओवर कुक कर दें। ठीक है, तो नॉर्मल जैसे आधी कच्ची पक्की हो गई, अब मसाला डालने शुरू कर दें हम इसमें डालने। और ये गानो 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, और तलहार मिर्च 1 चाय का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, हॉट चिली सॉस 1 चाय का चम्मच, ओरिगानो अपना ये चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच। ठीक है जी, ये हमने डाल दिया, और नमक याद रखिएगा बहुत कम रखना है, हमने 1 चुटकी डालना है, इसलिए कि अभी इसमें पिज़्ज़ा सॉस भी जाएगा। ठीक है, और इस सारे मसालों के साथ इसको हमने चिकन को फ्लेवर दे दिया, टेस्ट जो है उसके अंदर चला जाएगा। उसके बाद फिर हमने इसमें कुछ सब्जियां ऐड करनी है, और बस ये पकता जाए, चिकन का मकसद ये है कि पकता जाए, साथ में जो है ना चीज़ें भी ऐड होती जाएं, ताकि ये ना हो कि बिल्कुल पहले चिकन पका लिया आपने पूरा,
उसके बाद मसाले डाले, सब्जियां डाली, तो बेचारा चिकन बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाएगा। ठीक है, चिकन नाजुक चीज़ होती है, ठीक है, इसका ज़रा आपने ख्याल रखना। अब जब ये 80% चिकन जो है तेज़ आंच पर पक चुका है, ये तेज़ आंच रखनी है, आंच कभी भी स्लो नहीं करनी है। इसमें आपने क्या करना है कि शिमला मिर्च डाइस में कटा हुआ, डाइस कहते हैं चौकोर चौकोर कटा हुआ छोटे साइज में, टमाटर एक शिमला मिर्च, दो टमाटर और एक प्याज, ये सारी एक जैसे स्टाइल में कटी, ठीक है, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है जी, ये देखो, और इसको सब्जियों को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, ठीक है, थोड़ा सा आपने पकाया, ठीक है। उसके बाद अब ये साथ साथ पक भी रहा है और सब्जियां भी पक रही हैं, बस इसको एक आध मिनट हमने पकाना है। पकाने के बाद इसमें पिज़्ज़ा सॉस, किसी भी कंपनी का पिज़्ज़ा सॉस अगर ऐड करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते तो ना करें, इसलिए कि इसमें फ्लेवर तमाम मैंने डाल दिए हैं, लेकिन हल्का फ्लेवर रखा हुआ है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको फ्लेवर और देना चाहते हैं तो इसमें आप तकरीबन हाफ कप जो है ना पिज़्ज़ा सॉस वो आप ऐड कर देंगे। ठीक है, चलेंगे, ये मैंने डाल दिया और इसको कर दिया मिक्स। ठीक है जी, ये देखिए, ये हो गया। अब ये सारी चीज़ें जो पिज़्ज़े में होती हैं ना, वही चीज़ें इसमें मैंने ऐड की हैं, कोई अलग से कोई चीज़ नहीं डाली। ठीक है, इसको कर देंगे मिक्स, ये हो गया मिक्स। ठीक है, अब चलते हैं इसकी फिलिंग की तरफ। ये हमने बन जो है वो रख लिया अपने सामने, सिंपल है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, और चूल्हे को कर दें बंद, और जी तो इसमें आपने एक पीस बनाकर दिखा देता हूँ आपको मैं, ताकि हम बाकी इस तरह से आपने भर लेंगे, थोड़ा सा पुश करेंगे, गर्म है ख्याल रखिएगा, ठीक है, ठंडा होने के बाद भी आप डाल सकते हैं। इस तरह से आपने डाला, ठीक है, और इसके ऊपर आपने मोज़रेला चीज़ ऐड किया। ठीक है, इसके ऊपर खूबसूरती के लिए थोड़ा सा ब्लैक ऑलिव, और ये मेरे पास हैलीपिनो है, ज़रूरी नहीं है, ये अगर हो तो डालें। इस तरह से आपने इसको लगाने के बाद सिर्फ 200 सेंटीग्रेड के ऊपर सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको हमने बेक करना है, ये चीज़ मेल्ट हो जाए और ये तैयार हो जाएगा। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है। हमने बनाया आपके लिए नरगिसी कोफ्ते, नरगिसी कोफ्ते। ये जो आप काटने के बाद इसको बीच में से आप देख रहे होंगे, ये बिल्कुल आँखों की तरह होते हैं, नरगिसी आँखें जिसको कहते हैं, ठीक है ना, उस तरह की ये बनती है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि इसको बनाएंगे। तरीकाकार मैंने आपको बता दिया कैसे इसको तैयार करना है आपने, और इसके साथ हमने बनाया आपके लिए स्टफ़ बर्गर, ठीक है, स्टफ़ चिकन बर्गर, और बहुत ही सिंपल सादा, और ये आप लंच बॉक्स में बच्चों को प्लास्टिक रैप करके या बटर पेपर रैप करके जो है ना आप दे दें, 3-4-6 घंटे जो है ना आराम से ये रहता है, और बड़ों को भी आप लंच बॉक्स में डालकर दे सकते हैं। ठीक है, बाहर के खाने से बेहतर है कि आप घर का खाना जो है ना वो करें, इसलिए कि आजकल बीमारियां बहुत तेज़ी से फैल रही हैं और अब बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो बाहर के खाने जो है, आपको पता है कि हर जगह तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन ज़्यादातर नाकिस किस्म का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जिससे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और अब हम जा रहे हैं अपनी इन्फॉर्मेशन की तरफ, और आड़ू के बारे में मैंने जैसे बताया आपको कि जापनीज़ लोग कहते हैं कि कदीम ज़माने का फल है, और हकीकत में ये कि बहुत पुराने फलों में से ये फल है, कुछ नए फल हैं, कुछ पुराने फल। तो आड़ू जो है ये पुराना फल है, और ये पुराना फल होने के साथ साथ ये इंसान की लाइफ को भी बढ़ाता है, यानी कि इंसान को पुराना भी करता है। तो
इसको खाने से बेसिकली वो जो लॉजिक है जापनीज की वो ये है कि इसको खाने से इंसान की लाइफ लंबी होती. कैसे होती कि ये इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है. इसके अंदर इतने सारे इंजाइम्स और वाइटमिन हैं जो इम्यून सिस्टम के आपको दुरुस्त रखते हैं, तो आपको बीमारियों से बचाते हैं. और सबसे अच्छी चीज़ ये मैदे को फाल करते हैं, मैदे की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करते हैं. तो इसके लिए कभी भी इसके छिलका उतार कर नहीं खाना चाहिए. इसमें मखमल टाइप की चीज़ होती है ऊपर लगी हुई, ये जो है आपके मैदे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये मैदे के अंदर जो है ना, इसी तरह की मैदे के अंदर घास टाइप की चीज़ होती है जो हमारे आंतों के अंदर होती है. वो अगर ख़राब हो जाए ना तो खाना हजम होना बंद हो जाता है. अगर वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाए तो फिर इंसान को दस्त लग जाते हैं और वो हमेशा लगे रहते हैं इंसान को. ठीक है, उसको फाल रखने के लिए इसका खाल के समेत, छिलके के समेत खाना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, और तीसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर जो वाइटमिन और मिनरल्स होते हैं वो आपके आँखों के लिए, जिन लोगों को आँखों की प्रॉब्लम है उनके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट है. ठीक है जी, इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं. तो सीज़न के फ्रूट को ज़रूर इस्तेमाल करें, एक करें, दो करें, तीन करें. बच्चों को लाजमी खिलाएं ताकि बच्चे अभी से उनकी इम्यून सिस्टम मजबूत हो. ये थी आज की रेसिपी रेमेडी. उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा. ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी. जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़. बाय बाय. चलो.